खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मुंबई कांदिवली पूर्व ठाकुर कॉलेज में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट द्वारा वर्ल्ड हार्ट रिस्टार्ट डे की पूर्व संध्या पर जीवन रक्षक नागरिक सेवा प्री कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रत्येक नागरिक जीवन रक्षक होना चाहिए। हर घर में ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके इस कार्यक्रम में माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, जिसमें 23 अक्टूबर को ठाकुर कॉलेज में 15,000 बच्चों को जीवन रक्षक बनाने का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी मौके पर मौजूद होकर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज होने के साथ हार्ट की क्रिया के बारे में भी अवगत किया। हमारे संवाददाता राम कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की तरफ से हमारा हर नागरिक से यही हमारा नारा रहेगा कि प्रत्येक नागरिक जीवन रक्षक बने। हर कोई अपने चहेते इंसान की जान बचाने में मदद करें। अगर वो इंसान हमारी पहचान का नहीं भी हो तो भी हम उनको ज़िंदा रखने का पूरा पूरा प्रयत्न कर सकें, और जब तक डॉक्टर या मेडिकल हेल्प हमारी तरफ नहीं पहुंच पाता है तब तक हम बिना डरे डट के इस चीज़ का सामना कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर इंसान के दिल में ये कॉन्फिडेंस रहे कि हम इस इंसान को ज़िंदा रख सकते हैं जब तक डॉक्टर हमारे पास नहीं पहुँच पाए। धन्यवाद। अपील करते हैं, हम ये शिक्षण बिना शुल्क दे रहे, हमें कॉन्टेक्ट करिए बोरीवली सोसाइटी फॉर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए। कहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म रहेगा, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, हम ये नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए रेडी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई कर वासियों को और उसके जरिए देशवासियों को इसकी जानकारी मिले। है फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, ऑफिसिस में, इस तरह से अलग अलग जगह जाके ये जो 8 मिनट की वीडियो क्लिप्स है वो दिखा के साथ में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे के किस तरह से बचाने की कोशिश की जाए, वही हमारा मकसद है। ये करने से यदि कोई जान बचा पाए तो हम लोग सशक्त हो जाएंगे। हमारी एक भी इच्छा है जब चर्चा माध्यम के जो सदस्य है ताकि जो भी कोई दुर्घटना हुई हो पहले आप लोग पहुंच जाते, आप लोगों को भी इसको पहले ट्रेनिंग देनी है ताकि आप लोग प्रचार माध्यम का काम करते करते लाइव स्ट्रीम का काम भी कर पाए। तो आप लोग को भी आमंत्रण है शिक्षण देने के लिए। संगठन है, उनका एक प्रकल्प है, योजना ये है कि प्रत्येक नागरिक जीवन रक्षक, हर एक मेंबर अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, या तो एयरपोर्ट पे या तो स्टेशन पे किसी को गिरते देखता है, हार्ट अटैक आया ऐसा देखते हैं, तो उनको कैसे मदद करके हार्ट का कॉम्प्रेशन करके जीवित रखना है जब तक कोई एम्बुलेंस आ न जाए या जब तक वो अपने आप उठ के बैठ नहीं जाए। यदि ये करके हम 60% जीवन बचा सकते हैं तो मेरे ख्याल से इसके आगे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये जागरूकता पूरी जनता में हमारी ओर से, हमारे एसोसिएशन की ओर से, हमारे सब मेंबर्स के द्वारा आपको दी जाएगी। 24 घंटे में हम लोग 15,000 स्टूडेंट्स, टीचर्स और दूसरे मेंबर्स को ट्रेन करने की आशा करते हैं। अक्रॉस द कंट्री वी आर ट्राइंग टू ट्रेन 1,00,000 लोगों को कल सिखाने की कोशिश है हमारी। हम लोग कामयाब रहेंगे, यह हमारी इच्छा है। राम जी जब गिर गए थे लेक्चर देते देते, उनको भी कोई सूचना कहीं से नहीं मिली थी, ऐसे ही लेक्चर देते देते गिर गए थे और बाद में उनका हम लोग रिवाइव नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर सही समय पर सही मदद नहीं दे पाए थे। हमारी कोशिश ये है कि इतने लोगों को हम ट्रेन कर दें कि बस वो 5 मिनट खाली उनकी जान पकड़ कर रखे तो इतने में कोई ना कोई एम्बुलेंस आ जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि हर एक चौराहे पे यदि इस तरह से कोई मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस मिल जाए तो इन 4 या 5 मिनट में यदि हम ये ट्रीटमेंट दे पाएंगे तो एक यंग आदमी जो उसके ऊपर पूरा फैमिली का निर्भर है लाइफ, उसकी जान बचा पाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वर्ल्ड हार्ट रीस्टार्ट डे हम कल और परसों मनाने वाले हैं, तो ऐसे समय पर बोरेली के जो डॉक्टर्स हैं और ठाकुर कॉलेज के लोगों ने मिलकर यहाँ पर जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको पंपिंग करके फिर एक बार उसका हार्ट किस तरह से फिर एक बार स्टार्ट हो, इसका 2 दिन के चर्चा सत्र के माध्यम से यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग
का कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं मानता हूँ कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों को नॉलेज मिलेगा और एक दूसरे के बारे में हमदर्दी भी पैदा होगी और हम ऐसे संकट के समय पर लोगों को किस तरह से मदद रूप हो सकते हैं। जैसा भी डेमोन्स्ट्रेशन में बताया कि चार पांच लोगों के साथ में आता तो एक आदमी पंपिंग करेगा, दूसरा आदमी फ़ोन करके 108 को कॉल करेगा और सब लोग मिलकर अगर प्रयास कर सकते हैं तो जो हार्ट अटैक जिसको आया है उसको डॉक्टर के बिगर भी हम एट ए ग्लांस सुविधा दे के फिर एक बार उसका हार्ट को हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का एक नॉलेज शेयरिंग का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हुआ तो मैं डॉक्टरों को और ठाकुर कॉलेज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बड़े पैमाने पे इस कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर इसमें भाग लेने के लिए आए, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हुए मैं मानता हूँ कि जगह जगह पर इस प्रकार का अगर हम कार्यक्रम का आयोजन करते तो लोगों को निःशुल्क नॉलेज मिलेगा और जो एक इस प्रकार का जब घटना होती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं तो उससे हम बच पाएंगे, तो इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत क्षमता है। तो मैं वर्ल्ड हार्ट रीस्टार्ट डे के अवसर पर लोगों से इस बात की अपील करूंगा कि हम सब लोगों ने इस प्रकार के जो सुविधा है उसको अंगीकार करते हुए हम सीखेंगे तो हम दूसरे को इसका लाभ पहुँचा पाएंगे, तो ये करना बहुत जरूरी है मैं मानता हूँ। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही।